दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो ड्रीम इलेवन पे आप ग्रैंडली जीतने में आपको मदद कर सकती है। तो इस टिप्स को आप फॉलो करना है, एक एक टिप्स को आपको फॉलो करना है और टिप्स को ध्यान से देखना है। तो वीडियो को फुल वॉच करें, एक एक टिप्स को देखें क्या टिप्स हैं जो आपको ग्रैंड लीग विन करने में मदद कर सकती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो पर बने रहें। अपने जीतने की संभावना बनाए ड्रीम इलेवन ग्रैंड लीग जीतने के लिए कुछ टिप्स हैं। अपनी संभावना को बेहतर बनाने पर विचार करें। अपनी संभावना मतलब क्या होता है कि अपने जो ड्रीम इलेवन पर आप करियर बनाना चाह रहे हैं, ड्रीम इलेवन पर नए नए आए हैं, ड्रीम इलेवन पर विन करना चाहते हैं, तो उस पर विचार करें क्या इस फील्ड में जाने के लिए मेरे अच्छा है या फिर इस फील्ड में मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आपको विचार करना पहले। हमारा दूसरा टिप्स है अपनी किस्मत खुद बनाओ। मतलब कि आपको ड्रीम इलेवन पे जीतना है, ड्रीम इलेवन पे ग्रैंड लीग जीतना है, स्मॉल लीग जीतना है, तो अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ेगी। किसी टेलीग्राम वाले फिर किसी के भरोसे आपको नहीं रहना है, किसी की टीम को फॉलो नहीं करना है, किसी की टीम से नहीं खेलना है, अपनी खुद की टीम बनाना है आपको। तो आपकी किस्मत खुद बनाएंगे आप, तभी आपको लगेगा कि मैं जीत रहा हूँ। आप दूसरों के दिमाग से, दूसरों के भरोसे जीतेंगे या फिर हारेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद जीतेंगे तो आपको पता चलेगा इस फील्ड में क्या होता है, कैसे होता है। तीसरा टिप्स है सबसे अच्छे और बुरे वक्त के लिए भी तैयार करें। मतलब कि आप ड्रीम इलेवन पे खेलने आ रहे हैं तो खेलेंगे तो आपको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, तो इसलिए आपको तैयार रहना है हार के लिए भी और जीत के लिए भी। अगर हारे तो भी आपको पॉजिटिव फील करना चाहिए और हाँ जीते तब भी सेम बना रहना चाहिए। मतलब कि दोनों भी स्थिति में आपको सेम रहना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट बना कर रहना पड़ेगा, फिर तो आपको ड्रीम इलेवन पे खेलने से और जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ड्रीम इलेवन पे चौथा है, ड्रीम इलेवन पे एक खेलने के लिए मतलब सॉरी खेलने के लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी आपको। एक रणनीति बनाओ मतलब एक नियम रहता है, एक रणनीति होती है। आपको किसी को हराना रहता है तो आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आप एक नियम बनाते हैं, एक रूल्स बनाते हैं, उस रूल को फॉलो करके किसी को हरा सकते हैं या फिर किसी को आप जो भी समझे कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ड्रीम इलेवन पे विन करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी रणनीति बनानी पड़ेगी, फिर तो आप ड्रीम इलेवन पे विन कर सकते हैं। पाँचवा है अपने आप पर भरोसा करें। तो ये बात बिल्कुल सही है, अपने आप को अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा, खुद को। आप किसी और पे भरोसा करके आप ड्रीम इलेवन पे विन नहीं कर सकते। किसी की टीम से खेलें या फिर आप पेड टीम लें, फ्री टीम लें, कुछ भी लें, आप जब तक खुद रिसर्च नहीं करेंगे, खुद से टीम नहीं बनाएंगे, तब तक आपको विन विन नहीं होगा ड्रीम इलेवन पे। तो मेन फोकस है कि आप खुद से टीम बनाएं, खुद पे भरोसा करके बनाएं, तो आप आसानी से विन कर सकते हैं। और आगे है अपना टूर्नामेंट चुने। सबसे पहली महत्वपूर्ण सही बात जो टूर्नामेंट चुनना है, तो टूर्नामेंट मतलब एक सीरीज चल रही है उसको आप सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ड्रीम इलेवन पर आप खेलना स्टार्ट करें। ठीक है, किसी भी मैच को खेलने से पहले उसको सेलेक्ट करें फिर आप खेलें। दूसरा है नियम बनाएं और खुद से रिसर्च करें। हाँ, एक रूल्स बनाएं, नियम बनाएं कि इस स्ट्रेटेजी से मैं खेलूंगा, आज एक मैच खेलूंगा, कल दो मैच खेलूंगा, या फिर कल भी एक मैच खेलूंगा, आज भी एक मैच खेलूंगा, इस तरह आप तरीके से चलें और रिसर्च करें, खुद से रिसर्च करें। मतलब उस मैच के बारे में जानकारी हासिल करें गूगल पर सर्च करके। तीसरा, फैंटेसी क्रिकेट एक नंबर गेम है। फैंटेसी क्रिकेट एक मतलब नंबर गेम है, मतलब उसको आप दो नंबर से भी ले सकते हैं, बट ड्रीम इलेवन ऐसा नहीं है। ड्रीम इलेवन पे आपको माइंड का यूज करना पड़ता है, फिर आप ड्रीम इलेवन में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। चौथा है वर्तमान में क्या है आप और आपकी योग्यता। मतलब कि आप वर्तमान में क्या है, आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं है, आप कैसी स्थिति, आपकी परिस्थिति देखें, आप योग्यता देखें, क्या स्किल है, आपको नॉलेज है कि नहीं है, उसके बाद से ही आप ड्रीम इलेवन में खेलना स्टार्ट करें। पाँचवा है आप फील्ड गतिविधियों पर नज़र रखें। मतलब कि मैच के बाहर क्या हो रहा है, मैच के अंदर क्या हो रहा है, मैच शुरू हो रहा है तो क्या हो रहा है, मैच ख़त्म होने के बाद क्या हो रहा है, प्लेयर के बारे में नॉलेज क्या है, और प्लेयर मतलब इंजर्ड है या फिर नहीं खेलने वाला, ये सब की जानकारी आपको रखनी बहुत ज़रूरी होती है। छठवां है टॉस अपडेट।
टॉस अपडेट आपको बहुत ही विन करने में बहुत ही उपयोगी होता है। मतलब कि आप टॉस होने के बाद प्लेयर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, कौन सा प्लेयर खेल रहा है, कौन सा नहीं खेल रहा है, कौन सा कितने नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहा है और बॉलिंग करने आ रहा है। सातवां है टीम बनाना। तो सात मतलब सब चीज़ की आपको नॉलेज होने के बाद आपको टीम बनाना है ड्रीम इलेवन पे, वो आप आसानी से बना सकते हैं। आठवां कैप्टन और मतलब कप्तान और उप कप्तान, कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना। तो आप रिसर्च अपना करेंगे, रिसर्च के हिसाब से आपको क्या होगा, आपको जो फील्डर अच्छा लगेगा, इस फील्ड पे अच्छा खेल रहा है, इस मैच में अच्छा खेल रहा है, इस टीम के अगेंस्ट अच्छा कर रहा है, तो उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए। और आगे कुछ टिप्स हैं ड्रीम इलेवन में जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए आपको कई टीमें बनानी चाहिए। तो ये ज़रूरी है, आपको ग्रैंड लीग विन करना है ड्रीम इलेवन पे, तो आपको एक दो नहीं, तीन चार नहीं, 10 या 11 12 भी टीम बनानी पड़ सकती है। तो ज़रूरी है आपको जीतने की संभावना, विनिंग चांसेस जो रहते हैं उनको बढ़ाने के लिए आपको कई टीमें बनानी चाहिए ड्रीम इलेवन पे, तो आपको जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप एक दिन में मैच अगर नहीं जीत पाएंगे, 2 दिन में नहीं जीत पाएंगे, तीसरे दिन जीत जाएंगे अगर आप कई टीमों से खेल रहे हैं। तो प्रत्येक टीम में 5-6 का खिलाड़ियों का स्कोर रखें, मतलब 5-6 का कम्बिनेशन बनाएं, एक टीम से 6 प्लेयर, एक टीम से 5 प्लेयर, ऐसे ही आपको ग्रैंड लीग में लेके चलना है। ज़्यादातर ग्रैंड लीग विनर जो होते हैं उनको आपने देखा होगा, उनकी टीम देखी होगी, 5-6 के कम्बिनेशन से ही मैच वो ग्रैंड लीग विनर होते हैं। तीन चार खिलाड़ियों को घुमाएं जो आपको लगता है कि प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस ठीक है, आप अगर ज़्यादा टीम बना रहे हैं तो तीन चार खिलाड़ियों को जो आपको लगता है, आपको स्ट्रेटेजी जब रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट हैं, अगर लाइनअप आने के बाद उनको क्या करें, रोटेट करें तीन चार प्लेयर को, और रोटेट करके हर एक टीम में ट्राई करें। दो तीन खिलाड़ियों को पंट पिक्स के रूप में चुने और स्पॉट सी और VC विकल्पों के साथ घुमाएं। तो दो तीन खिलाड़ियों को पंट पिक्स के रूप में जो बहुत ही कम सिलेक्शन जिनका परसेंटेज हो, जो आपको लगे कि इस मैच में आज कुछ अच्छा कर सकते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को आपको क्या करना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन करके हर एक टीम में कॉम्बिनेशन के साथ घुमाना है, हर एक टीम में ट्राई करना है, और कैप्टन वाइस कैप्टन करके, और बाकी सब प्लेयर्स जो से रहेंगे सेम ही रहेंगे, ऐसे ही करके आपको टीम बनानी है। तो आपको ये टिप्स कैसा लगा ये कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके बताएं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ड्रीम इलेवन पे नए हो तो ड्रीम इलेवन को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो